हाय फ्रेंड्स, मैं कुमुद, कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए, जब आम आता है तो हम उसको तरह तरह से स्टोर करके रखते हैं। ये देखिए, आम का खटाई बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। चुटकियों में आपका आम का खटाई बन करके तैयार हो जाएगा। मार्केट से लाती है तो उसमें कुछ न कुछ मिलावट रहता है, कभी कभी किरकिराता भी है, जैसे लगता है कि इसमें बालू वालू पड़ा हुआ है। हम घर पर बनाते हैं तो अच्छी तरह से उसको धुल करके आम को आप पोंछ लीजिए, उसका पानी सुखा लीजिए, फिर उसका छिलका उतार लीजिए। छिलका उतारने के बाद कद्दूकस पे आप इस तरह से उसको कद्दूकस कर लीजिए। मोटे कद्दूकस पे करेंगी तब भी ठीक है, महीन पे करेंगी तब भी ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका है, फटाफट एक दिन में आप ये खटाई बन करके तैयार हो जाएगी। इस तरह से देखिए, कद्दूकस सारे आमों को कर लीजिए। ये करीब बड़े बड़े 3 आम है, वजन में ये करीब 1 किलो के लगभग है और ये बहुत ही खट्टा आम है। आप जब भी खटाई बनाइएगा खट्टे आम का बनाइएगा। वैसे आप किसी भी आम का बना सकती हैं, लेकिन खट्टे आम का बनाएंगी तो बहुत ही अच्छी खटाई आपकी बन करके तैयार होगी। किसी चीज़ में आप डालेंगी, थोड़ा सा डालेंगी होता है, घिस करके उसको किसी पॉलिथीन पर इस तरह से धूप में फैला दीजिए। धूप में फैलाने के बाद सूख करके ये कलर हो जाएगा, इस कलर का ही हो जाएगा आपकी खटाई। अगर तेज़ धूप है तो दिन भर में आपकी खटाई सूख जाएगी, अगर तेज़ धूप नहीं है तो 2 दिन आप इसको सुखा लीजिए। इससे ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि घिसा हुआ है, बहुत जल्दी ये सूख जाता है। अब ये सूख गया है, इसको उठा करके आप एक बर्तन में रख लीजिए और मिक्सी का जार लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल लीजिए। 1 किलो के लगभग है, काफ़ी खटाई इसमें बन करके तैयार होगा। इसको 2 बार में पीसेंगे, 1 बार में ये नहीं पीसेगा। अगर आपके पास बड़ा जार है तो आप 1 बार में पीस सकती हैं। देखिए, इस तरह से मिक्सी के जार में डाल करके आप इसको चला लीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से आपकी ये खटाई फाइन पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगी। फटाफट ये बन जाता है, घंटों का काम मिनटों में आपका हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से पीस गया ना, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। आप चाहें तो इसको चाल के रख सकती हैं और चालना ना चाहें तो आप ऐसी मोटा मोटा भी खटाई रख सकती हैं। इस तरह से देखिए, पीस करके खटाई तैयार हो चुकी है। अब इसको आती स्टोर करने की बारी। ऐसा स्टोर करेंगे कि ये कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा, सालों साल चलेगा, 2 साल भी चल सकता है। जितने साल भी रखेंगे आपकी खटाई बिल्कुल न भुगड़ी लगेगी और न ही झिल्ली लगेगी, बहुत ही फ्रेश खटाई आपकी हमेशा रहेगी। अब इस खटाई को एक बर्तन में रखिए, किसी भी गहरे बर्तन में रखिए। रखने के बाद इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करिए। नमक डालने के बाद आप इसमें 1 चम्मच भर के पीसी हुई हींग डाल दीजिए और दोनों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। ऐसा मिलाइए कि ये पूरे खटाई में नमक और हींग मिल जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। औरों को शेयर करिएगा कि फटाफट इस खटाई को बना करके रख लें। शुद्ध खटाई है, बिल्कुल अच्छी खटाई है। आप थोड़ी सी खटाई अगर कलौजी या सब्ज़ी में यूज़ करती हैं या चटनी बनाना है या पानी पूरी बनाना है तो आप फटाफट खटाई निकालिए और बना लीजिए, है ना। मिनटों घंटों का काम मिनटों में फटाफट ये बन गया। अब इसको किसी शीशे के जार में आप स्टोर करके रख लीजिए। शीशा का जार नहीं है तो प्लास्टिक में भी रख सकती हैं, बशर्ते इसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दीजिएगा, इसमें मॉइस्चर न जाए। आपको फ्रिज में रखने की आवश्यकता नहीं है, फ्रिज के बाहर ही आप इसको स्टोर करिए। बहुत अच्छे से आपकी ये खटाई स्टोर हो जाएगी। फटाफट बन गया और आप कोई भी रेसिपी इसको बना सकती हैं। आपको कलौजी बनाना है, आपको कढ़ी बनाना है, आपको चटनी बनाना है, कोई मेहमान आ गया फटाफट चटनी बनाना है तो बस इसको घोलिए, इसमें नमक मिर्ची खटाई डालिए और फटाफट आपकी चटनी तैयार। न पीसने का झंझट और न ही छीलने का झंझट, फटाफट बन करके ये तैयार हो गया है ना। कितने कमाल की रेसिपी, जब हमको सस्ते में घर पर मिल जाए तो हम क्यों बाहर से खरीदें। कम पैसे में आपको ढेर सारी खटाई मिल जाएगी। जितने में खटाई आप बाहर से खरीदेंगी उतने में 1 किलो के करीब आप खटाई बना सकती हैं। थैंक यू। अगर मेरे ट्रिक से आप खटाई बनाती हैं और स्टोर करती हैं
तो आप सालों साल स्टोर करेंगे, नहीं खराब होगा। खटाई स्टोर करते समय एक चम्मच नमक और एक चम्मच हींग ऐड कर दीजिए। डाल करके इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद ही आप इसको किसी शीशे के जार में स्टोर करिए। शीशे के जार में स्टोर करेंगी तो बहुत ही अच्छे से आपकी खटाई रहेगी। इसमें कभी भी ना कोई झिल्ली पड़ेगी और न ही इसमें मॉइस्चर आएगा और न ही ये खराब होगा। जब भी आप निकालेंगी हमेशा आपको फ्रेश खटाई ही देखने को मिलेगी। ट्रिक नंबर टू, आप आम घिसने के बाद हमेशा तेज धूप में सुखाइएगा तो एक ही दिन में आपका ये आम का खटाई सूख करके तैयार हो जाएगा।